हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएलडी एफिलिएशंस। मैं हूं जीरो प्रोग्राम सीईओ एंड एडमिशन कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज भी हम एक बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज का समय हो, तो आज इस कॉलेज का डिटेल्स आप लोग के सामने दिखाएंगे, हम शॉ कराएंगे, तो कॉलेज का सारे डिटेल देखेंगे। तो आज जो मैं जिस कॉलेज के सामने हो, जिस कॉलेज को हम आप विजिट करेंगे स्टूडेंट के रिव्यू लेके, ये कॉलेज का नाम है सिलेट में अवस्थित जो नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आइए देखते हैं कॉलेज के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज जो है, ये सिलेट का हार्ट ऑफ द सिलेट है, सिलेट में ही है। तो आज हमने इस कॉलेज का सामने आया हो, तो आप ये देख सकते हैं ये एंट्री गेट है। तो अभी हमने ये कॉलेज का अंदर घुस गया, मेन एंट्री है। तो आप तो ये देख सकते ही है जो इस मेडिकल कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं इस कॉलेज का कैंपस में हूँ। तो आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर हॉस्पिटल का ये मशहूर फेमस भी है, बहुत पेशेंट फ्लो भी, आप लोगों को पेशेंट फ्लो भी दिखाएंगे, हॉस्पिटल का सारे कुछ दिखाएंगे और स्टूडेंट के रिव्यू भी लेंगे, हॉस्टल तक दिखाएंगे। तो वीडियो ज़रूर इन तक दिखिएगा। तो और आपको इस कॉलेज के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, इसके लिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और दूसरे कॉलेज का और भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैंने ये कॉलेज का आउटडोर फैशन जो है ये इसके एंटर किया था। तो अभी मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मेन हॉस्पिटल है उस तरफ हम चल रहे हैं। बोलिए। तो मेन हॉस्पिटल जो है, तो मेन हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। तो मास्क पहनना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मास्क पहन लिया मैंने। तो आइए आप लोग, अभी हम चलते हैं वो तो कैंसर हॉस्पिटल, एक नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज का एक ब्रांच है। अभी हम चलते हैं मेन हॉस्पिटल के ऊपर। तो मैंने एंट्री करके छोड़ के आया, तो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। पेशेंट ही पेशेंट है, बहुत पेशेंट है। तो अभी जो हम है हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर में है, तो ओपीडी सेक्शन से, और यहाँ जो आप दिख रहे हैं कैश काउंटर है। तो हॉस्पिटल का नीचे जो है पूरा नीट एंड क्लीन है, फुली नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है, और पेशेंट फ्लो भी बहुत है। तो हम यहाँ से आप दिख रहे हैं कैश काउंटर, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, जो हम हॉस्पिटल के साथ भी ग्राउंड फ्लोर में एक कैंटीन भी है। तो आइए हम वो कैंटीन की ओर चलते हैं। तो यह हॉस्पिटल के लोग एज वेल एज स्टूडेंट्स भी कैंटीन में खाना खाते हैं। तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी हैं जो खाना खा रहा है। तो डिनर लंच भी इधर होता है, और आइटम का इधर है। कैंटीन भी बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छा है, और वेराइटीज क्वालिटी का फूड अवेलेबल है खाने पीने का। ये देखिए, मछली है, चिकन है, और सारे पुलाव वगैरह है, बर्गर टाइप है, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल नॉन वेज अवेलेबल है। तो हॉस्टल कैंटीन में स्टूडेंट एज वेल एज हॉस्पिटल का पेशेंट और हॉस्पिटल विजिट करने वाला जो पेशेंट भी है, अटेंडेंट भी यहाँ खाना खाते हैं। तो मैंने जो आपको हॉस्पिटल दिखाया, ये हॉस्पिटल 700 बेडेड हॉस्पिटल है, अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल है। इसका कोई बहुत सारे यूनिट भी है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका कैंसर यूनिट भी है, डेंटल यूनिट भी है। तो ये पूरा का पूरा ये जो है आप देख सकते हैं। तो इस कॉलेज के जो अभी हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं कॉलेज के बिल्डिंग एकेडमिक बिल्डिंग पर, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक, जिसमें आपको सारा कुछ दिखाएंगे। इसके बाद हॉस्टल का दिखाएंगे, हॉस्टल भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये ज़रूर इन तक दिखिएगा, और इस वीडियो में आपको एक कॉलेज का सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो एफिलिएशंस इस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी कौन सा है, रिजल्ट क्या चाहिए, इस टॉपिक्स को लेकर मैंने और एक
आप वीडियो बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आज ही कॉलेज का प्रैक्टिकल व्यू आपको दे रहा हूँ। तो आप तो देखिए, जो अभी नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज और डेंटल यूनिट है वो भी आप देख सकते हैं। ये है डेंटल यूनिट, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये डेंटल यूनिट है। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग है। अभी ये दिस वन इज एकेडमिक बिल्डिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑल्सो। कैंपस इज वेरी बिग कैंपस, वेरी नीट एंड क्लीन, पूरा डिसिप्लिन है। और दिस वन इज ओनली सी, यू कैन सी दिस बिल्डिंग, दिस वन द एकेडमिक सेक्शंस। सो दोस्तों, आप हमारा वीडियो के साथ रहिए, तो मैं प्रिंसिपल के साथ भी बात करूँगा, चेयरमैन सर से भी थोड़ा बहुत बात करूँगा, और स्टूडेंट के साथ भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लूँगा, कैसे रहा हॉस्टल का, कैसा है, क्या सारे डिटेल्स आपको हम दिखाएंगे। तो मैंने अभी तो जा रहा है इस तरफ एकेडमिक सेक्टर पर, तो स्टूडेंट का क्लास हो रहा है। तो अभी जो हम जा रहे हैं, ये एकेडमिक सेक्शंस का नीचे के ग्राउंड फ्लोर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है। तो आप देख रहे हैं जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है, ये सेक्रेटरी का कैबिन है, और थोड़ा आगे हम प्रिंसिपल सर से बात करने जा रहा हूँ। तो ये प्रिंसिपल सर का कैबिन है, तो शायद प्रिंसिपल सर आज नहीं है, मुझे पता चला वो मीटिंग में बिजी है, तो बाद में बात करेंगे इस रिगार्डिंग। तो आइए हम देखते हैं इस तरह जो हमारा लेक्चर रूम है, क्लास रूम भी है ग्राउंड फ्लोर में। तो ये बिल्डिंग जो है आपका, ये 7 स्टोर का है। तो मैं सिर्फ नीचे का ग्राउंड फ्लोर का आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये आपका ये कॉलेज का फाउंडर मेंबर है, जो लोगों ने कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, वो एक लिस्ट बाद में और एक बार दिखाएंगे आपको। तो ये जो स्टूडेंट वगैरह है, वो एनाटॉमी शायद एनाटॉमी सेक्शन है। तो यहाँ ये क्लासरूम है, लेक्चर हॉल है। तो मैं आपको थोड़ा दिखाने का ये कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये एनाटॉमी सेक्शन का म्यूजियम दिख रहे हैं आप। तो यह क्लास भी, अंदर क्लास चल रहे हैं, तो मैं अंदर में नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये ऊपर ये पूरा हर एक डिपार्टमेंट है, क्लास लेक्चर रूम है। तो ये सारे डिटेल्स आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाया है। तो और ये है आपका जो पूरा मैंने दिखाया है, ये एकेडमिक सेक्टर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है ग्राउंड फ्लोर में, उस रिगार्डिंग आपको मैं वही दिखाया है। तो फ्रेंड, आपको मैंने जो कुछ इस कलर्स के रिगार्डिंग दिखाया है, तो अगर आप और भी अच्छे से तरह आप विजिट कर सकते हैं, इस कॉलेज को वेबसाइट में है, आप विजिट कर सकते हैं। और मेरा वेबसाइट में भी ये है, इस कॉलेज के बारे में है। जो ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये इस कॉलेज का फाउंडर मेंबर है, जो मिल के इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, एक लिस्ट है फर्स्ट में। तो आइए हम चलते हैं हॉस्टल का पर, आपको थोड़ा हॉस्टल दिखाया था, हॉस्टल के चलते हैं, हॉस्टल को चलते हैं। तो आप जो अभी देख रहे हैं, ये जो मैंने रेड कलर का जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये फुल्ली बॉयज हॉस्टल है। ये फॉरेन स्टूडेंट के लिए है, ये लोकल स्टूडेंट यहाँ नहीं रहते हैं, ये इंडियन या नेपाली स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, टोटली फॉरेन स्टूडेंट के लिए। तो मैं हॉस्टल का और चल रहा हूँ। अब देखिए, ये पहले जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आप हॉस्टल में जाने के लिए एंट्री करना पड़ता है। तो मैं सीधे आपको हॉस्टल के अंदर घुस रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे जानता भी है। तो ये हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर आपको दिख रहा हो, देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन करने का लोग भी अलग से है। तो आप ये देखिए, क्लीन करने का लोग भी है, हॉस्टल में रहते हैं। तो और ये हॉस्टल का इस साइड देखिए, वॉशरूम वगैरह सब नीट एंड क्लीन है। और ये कैंटीन दिख रहा है आपको। अभी मैंने फर्स्ट फ्लोर की ओर जा रहा हूँ, आपको हॉस्टल का रूम दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। देखते हैं स्टूडेंट इधर है अभी है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास भी चल रहा है, मैं इसी टाइम आया हूँ। तो ये फर्स्ट फ्लोर में मैंने इंटर किया है। तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, स्टूडेंट का दो साइड का रूम है। तो ये क्लीन करने का लोग है, जो खाना खा के जो रखा है क्लीन किया है। तो ये स्टूडेंट का रूम के ओर पे जा रहा हो, तो ये देखिए फर्स्ट ईयर में 3 शेयरिंग रूम होता है, आप ये रूम देखिए।
तो डिसिप्लिन नहीं हुआ है, क्लासरूम में है, सर इन लोगों का टाइम भी नहीं मिलता है, ये रूम है। तो अभी आप देखेंगे स्टूडेंट का क्या व्यू है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गैलेक्स प्रिंसिपल, आई एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज सिलेट बांग्लादेश एंड आई एम फ्रॉम नेपाल। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज हिफ्जुर रहमान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज व्हिच इज सिचुएटेड इन सिलेट बांग्लादेश एंड आई बिलोंग फ्रॉम असम व्हिच इज अ स्टेट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज का जो वीडियो है इतना ही तक था। आपको थोड़ा बहुत मैंने जो हॉस्टल और कॉलेज कैंपस हॉस्पिटल सारे कुछ मैंने दिखाया। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इस कॉलेज में MBBS स्टडी करना चाहते हैं, तो आप MLDF एडुकेशन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। MLDF एडुकेशन के माध्यम से इंडिया का बहुत सारे स्टेट से इस कॉलेज में स्टूडेंट MBBS स्टडी कर रहा है। तो अगर आप इस कॉलेज को बारे में डिटेल्स और जानना चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, एफिलिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में और एक नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज का वीडियो है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी के लिए आप MLDF एडुकेशन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।